लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की, जिसे कार्य समिति की बैठक में सिरे से खारिज कर दिया गया और साथ ही कार्यकारिणी समिति ने अध्यक्ष को संगठनात्मक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन की जिम्मेदारी सौंपी। कार्य समिति ने राहुल गांधी को अपने पद पर बने रहने की सलाह दी और साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि यदि राहुल इस्तीफा देते हैं तो भाजपा अपने प्रयास में सफल हो जाएगी, इसीलिए हमें जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए और साथ ही पार्टी में जो बदलाव करने हैं उन पर काम करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही कई अन्य प्रदेशों में भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने अपने पदों से इस्तीफा देने की पेशकश की। इसमें यूपी प्रदेश के अध्यक्ष राज बब्बर, एमपी के कमलनाथ और साथ ही महाराष्ट्र के अशोक चव्हाण ने इस्तीफा देने की पेशकश की। इसके बाद माना जा रहा है कि पूरे देश में प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष भी अपने पद से इस्तीफा भेज सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी का भी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन हो सकता है कि संगठनात्मक फेरबदल के नाम पर कुछ बदलाव अवश्य किया जाए, क्योंकि माना जा रहा है कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा सहित करीब 17 प्रदेश ऐसे हैं जहां कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई। ऐसे में जहां जहां पार्टी हारी है उनके प्रमुख तो बदले ही जाएंगे।